हेलो फ्रेंड्स, आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है ना। और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन बहुत इजी सा आता है और वो क्वेश्चन पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होता है, ठीक है ना। इसलिए अपन प्रॉपर एक एक चीज़ जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है उसको, जैसे अपन ने पी ब्लॉक में डिस्कस किया, जैसे अपन ने एस ब्लॉक के अंदर डिस्कस किया, एक एक पॉइंट अपन प्रॉपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट डी एंड एफ ब्लॉक। सबसे पहली बात तो अपन इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अपन एटॉमिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी, ठीक है ना, ये सब चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस करेंगे, स्टेबिलिटी जहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, टाइप ऑफ ऑक्साइड्स डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हेलाइड फॉर्मेशन है, और प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ KMnO4, और प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ K2Cr2O7, और साथ में अपन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी अपन, और लेंथेनॉइड्स की रिएक्शन इसके अंदर पूरी कवर करेंगे, ठीक है ना। नीट के सिलेबस में जो दे रखा है डी एंड एफ ब्लॉक से रिलेटेड पार्ट जो है वो वही है जो एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, ठीक है। तो अपन अच्छे लेवल पे जाके इसको डिस्कस करेंगे और एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स लाई कहाँ से करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर थर्ड ग्रुप, ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक वो प्रेजेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। जैसे एन प्लस एल जब अपन ने पढ़ना चालू किया था, एन प्लस एल रूल, कौन से रूल की बात कर रहा हूँ मैं, एन प्लस एल रूल। तो एन प्लस एल रूल के हिसाब से किसी भी पीरियड के अंदर जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो अपन पहले इलेक्ट्रॉन एन एस में फिल करते हैं, ठीक है, उसके सबसे लास्ट में एन पी के अंदर जाता है, उससे पहले इलेक्ट्रॉन एन माइनस वन डी में आता है, और एन फिर उससे पहले एन माइनस टू एफ में आता है। पर एफ ब्लॉक को अपन ने पीरियोडिक टेबल में अलग जगह दी है, ठीक है ना। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जिसके अंदर 18 ग्रुप से, उसमें उसको कंसीडर नहीं किया गया है। तो इस हिसाब से पहले इलेक्ट्रॉन एस में जाते हैं तो पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक आता है, उसके बाद में ग्रुप इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, डी में जाते हैं, तो डी ब्लॉक आएगा, फिर उसके बाद में कौन सा, पी ब्लॉक। एस में दो इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो ग्रुप नंबर 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे बात करें तो 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, क्योंकि 5 ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल्स, डी सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स है, और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो टोटल अपने पास इलेक्ट्रॉन हो गए 10, और 10 इलेक्ट्रॉन हो गए तो यहाँ पे 3 से लेके 12 तक अपने को ग्रुप की रिक्वायरमेंट्स है, और उसके बाद में 13 से लेके 18 कौन सा हो जाएगा, अपना पी ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई होगी, तो अपना ग्रुप नंबर वाली बात खत्म हो गई। नेक्स्ट उसके बाद में बात कर रहे हैं लॉन्ग पीरियड्स की बात कर रहे हैं। देखो सबसे पहला पीरियड अपना वेरी शॉर्ट पीरियड, फिर उसके बाद में थर्ड पीरियड और सेकंड पीरियड अपना शॉर्ट पीरियड, और उसके बाद में स्टार्ट होता है अपना लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड जिसके अंदर पूरे के पूरे एस ब्लॉक इलेक्ट्रॉन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक सबके अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट है। डी ब्लॉक इंट्रोड्यूस कहाँ से होता है बेटा, फोर्थ पीरियड से इंट्रोड्यूस होता है। फोर्थ पीरियड से क्यों होता है, क्योंकि अभी अपन ने कॉन्फ़िगरेशन लिखा किसी भी पीरियड का, ठीक है। देखिए फर्स्ट शेल में सिर्फ एस होता है, सेकंड शेल में जो है वो एस और पी दोनों होते हैं, ठीक है ना। थर्ड शेल के अंदर एस पी डी, डी जो है वो थर्ड शेल में जाके इंट्रोड्यूस होता है। इसका मतलब ना तो 1D एग्जिस्ट करता है, ना 2D एग्जिस्ट करता है, सिर्फ कौन सा एग्जिस्ट करता है, 3D। अब 3D एग्जिस्ट करवाना है तो n माइनस, मतलब अपने पास वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है, और n-1, इफ n-1 इज इक्वल टू 3 देन n इज इक्वल टू 4। इसका मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होते हैं। इस तरीके से फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड और सेवन्थ पीरियड आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ पीरियड में जो इलेक्ट्रॉन आता है वो किसके अंदर आता है, 3D सीरीज में, तो इनको क्या बोलते हैं अपन, 3D सीरीज एलिमेंट, फिर उसके बाद में 4D सीरीज एलिमेंट, उसके बाद में 5D सीरीज एलिमेंट, उसके बाद में 6D सीरीज एलिमेंट। बात समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद में ट्रांजिशन सीरीज़ की बात करें तो ट्रांजिशन सीरीज़ क्यों बोला है, बेसिकली हम जब एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ जाते हैं, ट्रांजिशन करते हैं, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बीच में आते हैं। तो पहली बार जब डी में इलेक्ट्रॉन गया तो वो कौन सा पीरियड था, फोर्थ पीरियड था, सीरीज़ कौन सी थी, 3D थी। पहली बार गया, फर्स्ट टाइम गया, इसलिए अपन ने उसको क्या बोला, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ 3D सीरीज़ हो गई,
सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज 4D सीरीज हो गई, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज 5D सीरीज हो गई, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज जो है अपनी वो 6D सीरीज हो गई, ठीक है ना। और अभी तो 112 सारे एलिमेंट्स इसके अंदर फिल हो चुके हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद में अपन बात करते हैं एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट्स को याद करने की ट्रिक अपन ने पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ी थी, किस तरीके से 3D सीरीज को याद करना है, 4D सीरीज को याद करना है, 5D सीरीज को याद करना है, ठीक है ना। और अपने पास जो है सेवन्थ पीरियड मतलब 6D सीरीज को याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं उन सबका मोस्टली सबका एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर है, ठीक है ना। इसलिए अपन उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक, 100 से ऊपर ही है सबका, तो यहाँ पे अपन को लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट सब UUB UUN इस तरीके से आ जाएगा जो IUPAC के हिसाब से चलता है। इसलिए इन सभी एलिमेंट्स की अपन स्टडी कर चुके हैं, एक बार याद कर चुके हैं, और अगर आपको फिर भी याद नहीं है तो आप एक बार पीरियोडिक टेबल के जो लेक्चर्स हैं उनको रेफर करें, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक टेबल बना हुआ है, ठीक। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इनका होता है N-1D 1 to 10, N-1D 1 to 10, NS 0 to 2। 0 to 2 इसलिए लिखा है बेटा, वैसे तो N+L रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन पहले S में जाता है फिर N-1D के अंदर जाता है, तो पहले S अगर फिल होगा तो NS2 कॉन्फ़िगरेशन होगा और N-1D 1 to 10 ये कॉन्फ़िगरेशन उसका होना चाहिए। पर होता क्या है कि NS और N-1D के बीच में एनर्जी गैप इतना कम होता है कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिट करते रहते हैं, इस वजह से जो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें कहीं कहीं वेरिएशन देखने को मिलता है। तो अपन जनरल जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो ओवरऑल सम तो फिक्स रहेगा, ये बात पक्की है, NS और N-1D के इलेक्ट्रॉन्स का सम तो फिक्स रहेगा, पर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट है, वो हर जगह N+L रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जैसे समझना स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, सबको नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर देखें तो N+L चल रहा है और N+L के अंदर ये देखिए, N+L के अंदर टू इलेक्ट्रॉन्स देन वन आ गया S के अंदर, फिर उसके बाद में टू चलते चलते वन आ गया और ये टू आ गया फिर यहाँ पे वापस, तो कहाँ दिक्कत आ रही है, एक तो ये कॉपर में दिक्कत आ रही है, एक किस में दिक्कत आ रही है, क्रोमियम में दिक्कत आ रही है, ठीक है ना। तो दो एक्सेप्शन हो गए अपने पास में यहाँ पे, कौन कौन से, एक तो कॉपर हो गया, एक क्रोमियम हो गया, ठीक। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ से, ये टू चलते चलते यहाँ से लेके पूरी की पूरी, अच्छा TC में थोड़ा सा करेक्शन है, NCERT में भी दे रखा है 5 और 2 नहीं है, ये 6 और 1 है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये नायोबियम से लेके और पूरा कहाँ तक, सिल्वर तक, पूरा का पूरा एक्सेप्शन नज़र आ रहा है, ठीक। सबके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होने चाहिए थे 2 होने चाहिए थे, पर इलेक्ट्रॉन सबके अंदर कितने आ रहे हैं, 1010 आ रहे हैं। ऐसे यहाँ पे देखें लेंथेनम पे चलते चलते N+L रूल के 2 एक्सेप्शन आए हैं यहाँ पे, कौन कौन से, एक PT और एक AU, टंगस्टन एक्सेप्शन नहीं है, टंगस्टन तो N+L रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और जोड़ देता हूँ TC, और यहाँ से मैंने टंगस्टन हटा दिया। तो अपने पास जो जो एलिमेंट है वो समझना बात को, और इसको मैं याद करने की एक ट्रिक भी बताता हूँ। चलिए देखिए CU CR तो अपने कौन सी सीरीज के हो गए, 3D सीरीज के हो गए, फिर उसके बाद में NB हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, टंगस्टन हो गया, सॉरी टेसेंटियम हो गया, और RU हो गया, RH हो गया, PD हो गया, AG हो गया, और AU हो गया, PT हो गया। ये अपने एलिमेंट्स हैं जो N+L रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे N+L रूल फॉलो नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा इसको याद करने की ट्रिक बताता हूँ, जैसे अपन ने इसकी ट्रिक पढ़ी थी ना, यारी जरा निभा मौत तक रुकावटे राह में पड़े आगे कूद, ठीक है ना, रुकावटें राह में पड़े आगे कूदी, अपन ने ट्रिक पढ़ी थी किसके अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब इसी ट्रिक को अपन थोड़ा सा यूज कर लेते हैं, कुकर्म निभा मौत तक रुकावटें राह में पड़े आगे और पिटाई होगी, ठीक है ना, कुकर्म निभा मौत तक रुकावटें राह में पड़ेगी,
कुकर्म करेगा तो रुकावटें राह में पड़ेगी, आगे और पिटाई होगी। समझ में आ गया ना? ट्रिक है, याद रख सकते हैं n प्लस एल। अब इतने सारे एक्सेप्शन कौन याद रखेगा? सीधे पूछ लिया भाई कौन n प्लस एल रूल फॉलो नहीं करता है, तो सीधे क्वेश्चन का आंसर देना है अपन को किससे? ट्रिक से। क्या ट्रिक है? कुकर्म निभा, मौत तक रुकावटें राह में पड़ेगी, है ना। गलत काम करोगे तो रुकावटें राह में पड़ेगी और आगे पिटाई होती जाएगी, ठीक है ना। तो एक बार ट्रिक वापिस लिख लें, नोट कर लें उसको। कुकर्म निभा, मौत तक रुकावटें राह में पड़ेगी, आगे और पिटाई होगी, आगे और पिटाई होगी, ठीक है ना। होगी मरकरी नहीं है यहाँ पे, वो ट्रिक को कंप्लीट करने के लिए अपन ने लिया है, ठीक। तो ये पॉइंट सबको समझ में आ गए होंगे। इसके अंदर सिर्फ सिंपल सी बात ये है कि एक्सेप्शन कौन से हैं जो एन प्लस एल रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। और वो एक्सेप्शन कौन से हैं? कुकर्म निभा, मौत तक रुकावटें राह में पड़ेगी, आगे और पिटाई होगी।